यहाँ पर स्टोर साइड पे ये रोटी होती है जी इनकी, जिस तरह से तुर्किश रोटी होती है, इसको क्या बोलते हैं भाई? चपाटी। चपाटी चपाटी बोलते हैं इसको। ये है जी रास्ता 125 बाइक को, वो तो बड़ी स्मूथली जाती है, मतलब उसके ऊपर इतनी मुश्किल नहीं आती है। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं, वो है ये देखें ज़रा, ये बनाए हुए बकरी की खाल से। ये बकरी की खाल से बनाते हैं। हाँ हाँ, अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है हमारा डे 39 और आज हैं हम यहाँ पर हरचो में। ये पीछे खूबसूरत सी वाटरफॉल देखें, ये वाटरफॉल आपको मिलती है हरचो विलेज में, और ये हरचो विलेज आता है जी अस्तोर के रास्ते के ऊपर। जब आप KKI से ट्रैक शुरू करते हैं अपना अस्तोर की तरफ, तो 30 किलोमीटर आगे आके आपको ये खूबसूरत सा विलेज नज़र आता है। ये विलेज नहीं है, पूरी की पूरी एक वैली है। आज हम इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं, और सबसे पहले आप ये नज़ारा देखें ज़रा वाटरफॉल का, कितना खूबसूरत है। इस वाटरफॉल के बारे में मैं आपको बता दूँ, इस वाटरफॉल का नाम है जी हरचो वाटरफॉल, और ये आपको ऐसे ही नज़र नहीं आएगी जब आप अस्तोर की तरफ जाते होंगे, क्योंकि वो सामने ब्रिज देखें, जब आप ये ब्रिज क्रॉस करते हैं आपका रुख होता है दूसरी तरफ, जिस तरफ से गाड़ी आ रही है, तो आप इस वाटरफॉल को अपनी बैक करते हो। तो जब अगर आप स्टोर से वापस आ रहे होगे तो फिर आपकी ये इस वाटरफॉल के ऊपर नज़र पड़ेगी। इस बात को याद रखिए कि जब आपने हरचो में एंटर होना है, ये ब्रिज क्रॉस करना है, ये ब्रिज को क्रॉस नहीं करना, उसके बिल्कुल साथ ही ये लिंक आ रहा है, ये रोड देखे ज़रा, तो फिर आपको शानदार सा नज़ारा नज़र आता है ये सामने वाटरफॉल का। तो भाई इस जगह के ऊपर आने के लिए आप वेट ना करें, अगर आप स्टोर आ रहे हैं तो फिर आप मेरा ये व्लॉग मिस ना कीजिएगा, क्योंकि इस व्लॉग में हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं एक अनएक्सप्लोर वैली को, और इसके नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं। तो मेरे साथ भाई हैं यहाँ पर अब्दुल नसीर भाई। अब्दुल नसीर भाई कैसे हैं आप? ठीक है जी। तो ये भाई मुझे आज गाइड करेंगे, तो मैं आपको सारा दिखाऊँगा यहाँ पर हरचो वैली। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं, अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको खूबसूरत से नज़ारे। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप वो ब्रिज क्रॉस करेंगे, तो ब्रिज क्रॉस करने के तकरीबन आधे किलोमीटर बाद आपको ये बोर्ड नज़र आएगा, यहाँ पर है लिखा हुआ स्टोर 18 किलोमीटर और हरचो विलेज, मतलब सीधा साइड पे अपर हरचो, वो जा रहा है ये वाला लिंक रोड। अगर आप बाइकर हैं, कैंपिंग के शौकीन हैं, तो भाई ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बना रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर वाली साइड पर जो वैली है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त और अनटच ब्यूटी है। आप को दिखाते हैं, मैंने तो अभी तक खुद भी बातों से सुना है, लेकिन कुछ वीडियोस देखी हैं भाई ने अपनी बनाई हुई थी, तो खुद भी जाके बनाते हैं और दिखाते हैं आपको। चलते हैं इस रास्ते के ऊपर। ये है जी 4x4 का ट्रैक, और हम जा रहे हैं अपनी 70 बाइक के ऊपर। लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा कि इस रास्ते के ऊपर बोर्ड्स वगैरह नहीं लगे हुए गाइडलाइंस के लिए, इसलिए आप मुकामी गाइड लाजमी साथ में लेके आएँ। लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, बिना चार्ज किए आपके साथ चल सकते हैं। अभी मेरी बाइक ऊपर नहीं थी चढ़ रही, भाई ने कहा मैं चढ़ाता हूँ, रुको ज़रा। तो भाई ने पकड़ ली मेरी 70 बाइक, और ये भाई है मेरे साथ, तो मैं डबल सवारी लेके जाऊँगा 125 के ऊपर। देखते हैं जी हमसे 125 भी चलता है कि नहीं चलता। अभी देखे जी नसीर भाई किधर पहुँच गए हैं, वो जा रहे हैं हमारी 70 लेके, और हम होंडा लेके जा रहे हैं, तो हमसे फिर भी नहीं पकड़े जा रहे नसीर भाई। तो फ्रेंड्स, अभी हमने तकरीबन 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया है, तो आगे ये एक जगह आई है जिसका नाम है लथंग। ये छोटा सा एक विलेज है, और ये विलेज है नसीर भाई का। नसीर भाई अपना विलेज है, ये अपना घर भी है यहाँ पे। अच्छा जी, तो नसीर भाई ने यहाँ पर ब्रेक लगवाई, उन्होंने बोला थोड़ी देर रेस्ट करते हैं फिर आगे चलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, वो सामने वाला जो आप पहाड़ देख रहे हैं ना, ये वाला ग्रीन टॉप, इस ग्रीन टॉप के ऊपर तक हमारी बाइक जाएगी। तकरीबन ये टोटल डिस्टेंस हमारा बनता है 11 किलोमीटर का अपर हरचो तक, और वो सामने वाला जो ग्रीन टॉप जंगल वाला है, इसमें से हमने इसको एक्सप्लोर करते हुए जाना है। आगे ग्लेशियर्स आते हैं, वो आपको दिखाने हैं। तो भाई मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ।
ये है जी यहाँ पर नसीर भाई का घर, और ये बाहर सहन बना हुआ है, ऊपर अखरोट का दरख्त लगा हुआ है, कितनी ठंडी छाँव है, बड़ा सुकून है यहाँ पर। और नसीर भाई ये क्या है? ये जड़ी बूटी है। जड़ी बूटी है, किस चीज़ की है ये? मैदे के इलाज है ये। मैदे का इलाज, माशाल्लाह। इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? इसको वो क्या कहते हैं, पाउडर बना के? पाउडर बना के इस्तेमाल करते हैं। दूध के साथ? नहीं, इसे तारे पानी के साथ। जबरदस्त, माशाल्लाह। इसका नाम को पता है? इसका नाम पता नहीं है, मतलब ऐसे मुकामी जड़ी बूटी है ये, देसी जड़ी बूटियों से देसी इलाज, माशाल्लाह। क्या बात है जी। और ये है जी घर का इनसाइड व्यू, ये लकड़ी की पेटी बना कर रखी हुई है, और ये बाहर मतलब के जो हमारा सहन होता है घरों का, और ये माशाल्लाह रूम है भाई का, देखें जी। वाह 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 वाह, कितनी बड़ी बड़ी ट्रॉफियां रखी हुई हैं नसीर भाई, ये कहाँ से लेके आए? ये हमारा हफ्जो निरल से इधर टूर्नामेंट करते हैं, हर साल 2-3 इवेंट करते हैं। तो सबकी ट्रॉफियां आप उठा के ले आते हो? और लोगों ने भी, लीडर बंदे लगते हो। क्या बात है भाई। यहाँ पर स्टोर साइड पे ये रोटी होती है जी इनकी, जिस तरह से तुर्किश रोटी होती है, इसको क्या बोलते हैं भाई? चपाटी। चपाटी, चपाटी बोलते हैं इसको। ये चपाती को मोटा कर दो तो ये चपाटी बन जाती है। और ये जो था ये शिरक, ये शिरक इसको बनाते हैं स्पेशल जब कोई गेस्ट आते हैं तो उनके लिए। बाकी ये लोग नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं, नमकीन चाय के साथ या मीठे चाय के साथ बटर लगा के। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर मतलब बैठा हुआ था इनके साथ, और यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो कि बहुत ही मेहमान नवाज हैं, और सब मुझे वेलकम करने के लिए खड़े हुए हैं। और यहाँ पर भाई हैं, एक उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल हैं? सलाम भाई, अपना नाम बताइएगा। सैफ़ुर्रहमान। ज़रा ऊँची आवाज़ में बताइएगा कि आप जो हमारे टूरिस्ट भाई हैं उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ये हरचौन हिल वैली एक बहुत हसीन खूबसूरत इलाका है जी, माशाल्लाह। टूरिस्ट के लिए बहुत बेहतरीन जगह है जी, बिल्कुल। इनके इधर के मकामी लोग भी बहुत मेहमान नवाज है। वो तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया जी, माशाल्लाह, बेहतरीन। और अभी ये रोड बन रहा है। हाँ बिल्कुल, पहले जीप एबल था, अभी कार एबल रोड है, माशाल्लाह। मतलब कि कार भी जा सकेगी, अभी जीप आती है। तमाम टूरिस्ट वालों के लिए वेलकम करते हैं जी, जी। निलल वैली आने के लिए जी जी। तो ये बहुत हसीन जगह है। तो थोड़ा सा बताएंगे आप, यहाँ पर कैंपिंग के लिए जगह है? कैंपिंग के लिए बहुत खूबसूरत जगह है, आगे आप जाओ आपको पता लगेगा। इधर मकामी लोग आपके साथ तावन भी करेंगे कैंपिंग लगाने के लिए जी, माशाल्लाह। मेहमान नवाज भी है, बिल्कुल जी, माशाल्लाह। खाने पीने के लिए कोई मसला मसाइल होगा तो घरों से लाके आपके लिए पूरा करेंगे। क्या बात है जी, ये जगह आप जाओगे तो फिर आपको पता लगेगा। अभी हुंजा से भी खूबसूरत जगह है जी, माशाल्लाह जी। लेकिन इधर मीडिया नहीं होने की वजह से लोग मुतासिर है। हमारी कोशिश है ये कि इधर टूरिस्ट आए हैं, इंशाल्लाह जी जरूर आएंगे हमारी वीडियो देखने के बाद। बाकी ये है कि माशाल्लाह लोग जनमन बात है कि बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाज हैं। अगर आप जब यहाँ पर आएंगे, आप खुद जब इस चीज़ का तजर्बा करेंगे तो फिर आपको बेहतर पता चलेगा। मेरी बातों के ऊपर ना जाएं, यहाँ पर आके खुद आप इस जगह को एक्सप्लोर करें। बाकी चलते हैं हम ऊपर जाके, आपको दिखाते हैं कि क्या जगह है। जैसे भाई ने बात की कि अगर आपको यहाँ पर कोई खाने पीने की तंगी है या कोई मसला मसाइल है तो वो मुकामी लोग बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप अपनी कैंपिंग लगाएं, कोई किसी किस्म के चार्जेस नहीं है, ऐसा ही है। और आने वाले दिनों में कोशिश ये है कि मुकामी लोगों की भी, जब ये रोड बन जाएगा तो जाहिर सी बात है टूरिज्म इस तरफ भी आएगी, तो फिर आगे ऊपर गेस्ट हाउस भी भाई बना रहे हैं। और इंशाल्लाह यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जगह है, मुझे उम्मीद है। जैसे वो सामने जंगल नज़र आ रहा है ना, अभी उधर चलते हैं तो फिर आपको बाकी की जगह दिखाते हैं। भाई बहुत शुक्रिया भाई साहब का, थैंक यू सो मच। ये है जी रास्ता 125 बाइक हो, वो तो बड़ी स्मूथली जाती है, मतलब उसके ऊपर इतनी मुश्किल नहीं आती है। ये मेरी 70 बाइक का थोड़ा इंजन कमज़ोर है, इस वजह से ये बहुत मिसिंग कर रही है। और कुछ भाइयों की सपोर्ट के साथ धक्का वगैरह लगा के लेके जा रहे हैं। ये चश्मा देखे कितना खूबसूरत आ रहा है। मेरी बाइक के साउंड से आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये बाइक कितना मिसिंग कर रही है, और जितना ही मुश्किल रास्ता लग रहा है ना मेरी बाइक की वजह से, इतना वैसे मुश्किल रास्ता है नहीं, लेकिन इस बाइक ने मेरे पसीने निकलवा दिए, क्योंकि बार बार इस तरह से मैं टांग लगा के इसको लेके जा रहा हूँ। लेकिन आगे मौसम देखे कितना खूबसूरत बना हुआ है, और आगे रास्ता बहुत ही मज़े का एडवेंचरस है।
अगर तो बाइक होती 125 या 150, उसने तो उड़ते हुए जाना था इस रोड के ऊपर। अभी हम तकरीबन एंडिंग पॉइंट पर पहुंचने वाले जहां तक गाड़ी जाती है, लेकिन यहां पर मुझे लेके आए हैं जी अब्दुल नसीर भाई ये व्यू दिखाने के लिए। व्यू चेक करें ज़रा, यहां पर पूरा अपर हरचो का व्यू आ रहा है और सामने पहाड़ देखें कितने लश ग्रीन, और सामने वाली चोटियां देखें पहाड़ों के ऊपर, बर्फ़ देखें कितनी खूबसूरत आई हुई है। और हमने जाना है जी इस तरफ, और इस तरफ जो लश ग्रीनरी है, ऊपर मैदान है, और ऊपर इस तरफ जो सामने पहाड़ है और जंगल है वो आपको आगे चल के दिखाते हैं। तो ये था जी यहाँ का खूबसूरत सा नज़ारा, बाकी के नज़ारे आगे हैं। फ्रेंड्स यकीन माने अभी हमने पैदल ट्रैक शुरू किया ही है, तो ये रास्ते हैं यहाँ पर, ये है अनएक्सप्लोर्ड वैली। माशाल्लाह देखें ज़रा इस जगह के ऊपर। आपको मैं एक बात बताऊं, ये जो फूल आपको नज़र आ रहे हैं ना, इनकी इकसाम तकरीबन 4000 फूल हैं यहाँ पर, 4000 के करीब यहाँ पर आपको कलरफुल डिफरेंट किस्म के फ्लावर्स मिलेंगे। और देखें ज़रा किस तरह से फूलों के साथ भरी हुई है ये वैली, और ये देखें ज़रा कहीं पर येलो, कहीं पर रेड, कहीं पर वाइट, कहीं पर पर्पल, और साथ ही साथ ये खूबसूरत नज़ारे। माशाल्लाह आप कमेंट कर दें इस वीडियो को देख के साथ ही। फ्रेंड्स ये देखें ज़रा, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, ये है कुदरती ज़ीरा लगा हुआ है यहाँ पर, और जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक आपको ये लगा हुआ नज़र आएगा। और आप ये ज़ीरा कच्चा तोड़ के भी खा सकते हैं, ये हाजमे के लिए बड़ा ज़बरदस्त होता है। ये देखें जी सारे भाई खा रहे हैं, ये मुझे भी ला के दिया भाई ने, दिखाएं जी खा सकते हैं हम। ये देखें जी ये ज़ीरा लगा हुआ है, ज़बरदस्त, ज़िंदगी में पहली मरतबा मैं कच्चा ज़ीरा खा रहा हूँ भाई। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं, वो है ये, ये देखें ज़रा ये बनाए हुए बकरी की खाल से, ये बकरी की खाल से बनाते हैं। हाँ हाँ, ये दूध को स्टोर करके इससे घी बनाने, घी और लस्सी बनाने के काम आती है ये। हाँ वो मैंने देखा है, इसके अंदर डाल के इसको हिला के 3-4 घंटे मक्खन बनाते हैं पहले। ये जो जगह है अभी तो ये सख्त है, इसको पानी में भिगो के रखते हैं। कितनी देर के लिए? 1-2 घंटा भिगो के रखते हैं, फिर ये नरम होती है। अच्छा, नरम होकर फिर इसके अंदर दूध डालते हैं, दूध डाल के 2-3 घंटे हिलाया तो फिर मक्खन बनता है। जबरदस्त, उसके साथ लस्सी भी बनती है। लस्सी भी बनती है, लस्सी पड़ी हुई है तो पिलाओ यार। हाँ अभी पड़ी हुई, आपको पिलाएंगे, और बड़ी मजे की लस्सी होती है। वाह वाह वाह, चले चेक करते हैं फिर, अगर है तो पिला दो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अनएक्सप्लोर्ड वैली को एक्सप्लोर करना आसान काम नहीं होता, आप यकीन माने। ये ट्रैक हैं, ये रास्ते हैं जिनसे गुजरते हुए जा रहे हैं हम, और नीचे नाला है, दिखाएं ज़रा ये नाला है। इसको क्रॉस करने के लिए हमने बहुत मतलब बड़ा जिगरा किया मैंने, मुकामी लोगों के लिए तो कोई बात नहीं होती है, यकीन माने कि मुकामी लोग तो इन ट्रैक के ऊपर भाग भी रहेंगे, लेकिन आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के लिए ये रास्ते आसान नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी ये जब रास्ते कवर होंगे तो आगे जो मंजिल आएगी वो बहुत ही खूबसूरत होगी। देखिए जी खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर, ग्रीनरी ये है हर्च और नीरिल, और यहाँ पर जब आप
इस जगह के ऊपर आ जाएं, ये आपको पत्थर मिलेगा बहुत बड़ा, इसके नीचे छोटी सी टनल बनी हुई है, ऊपर किसी ने नाम भी लिख दिया हुआ है जान आलम गिरी। जान आलम तो किसी का नाम है, गिरी बोलते हैं बड़े पत्थर को। और यहाँ पर ये देखें जी, जान आलम साहब क्या हाल है? ठीक है, अगर बाहर मौसम अच्छा हो जाए तो फिर आप बाहर इंजॉय करें, अगर ख़राब हो जाए, बारिश हो जाए, तो आप इसके नीचे पनाह भी ले सकते हैं, जैसे कि ये डोंकी राजा ने पनाह ली हुई है। वैसे भी यहाँ पर जानवर वगैरह खड़े होते हैं और मौसम बहुत औसम है यार, व्यू भी बहुत औसम है। तो आप वाह 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 यार, मुश्किल है यार। कुछ नहीं मुश्किल है, चढ़ो चढ़ो, पांव लगाना पे पांव, स्टार्ट कर दिया। हां चढ़ो, उधर लगाओ, उधर पांव, एक मिनट रुको जरा, बात सही कर यार, गिराना थे। वाह 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 वाह, सदा तो हंस रहा था ये पहाड़ सर कर। अब डालो आप, वाह हनी लगी ना, अब उधर ले चले। प्योर लस्सी है, ये देख रहे हैं आप, ये है प्योर लस्सी, वो जो आपको नीचे खाल दिखाई थी ना, उस खाल में बनाई हुई है। ये गाय के दूध की है और इसमें मक्खन भी है, बिल्कुल ताज़ा, ऐसे जैसे गाढ़ा दही होता है ना, ये नमकीन लस्सी। और ये गिरी, इसको बोलते हैं गिरी, पहाड़ को, पत्थर को, बड़े सारे पत्थर को। और ये गिरी है, अल्लाह ना करे हम नीचे गिरी है। फ्रेंड्स ये एक चीज़ देखें, ये है चीड़ की लकड़ी और इसमें से खुशबू इतनी ज़बरदस्त किस्म की आ रही ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये देखने में लग रही है जैसे गीली है, लेकिन मुझे ये भाई बता रहे थे ये पेट्रोल है, पेट्रोल जिसको आग लगाओगे ये एक सेकंड में आग पकड़ती है। तो ये देखें ज़रा भाई, अभी जला के दिखाते हैं, ज़रा ये जलाना ज़रा, ये देखें ज़रा, अभी सिर्फ माचिस की तीली लगाई है और ये इसको आग लग गई है। बंद करो इसको, आप यकीन माने ये वैली इतनी बड़ी है ना कि मैं अगर इसमें 20 दिन भी लगाऊं तो मैं पूरा इस वैली को एक्सप्लोर नहीं कर सकता हूं। तो आज हमने काफ़ी यहां पर घूम फिर लिया और बाकी के जो सीन्स हैं वो आपको अगले दिन में दिखाऊंगा। तो ये डे 39 और डे 40 का व्लॉग हमारा कंबाइन होगा और आज का हमारा यहाँ पर रेस्ट है। ये घर है जी, यहाँ पर पत्थर और मिट्टी का और लकड़ी का बना हुआ, और यहाँ पर हम स्टे करेंगे। साथ में ये स्टोर रूम है, ये कोल्ड स्टोर रूम होता है, यहाँ पर ये लोग अपना सब्जियाँ वगैरह, दूध वगैरह स्टोर करते हैं, मक्खन वगैरह जो बनाते हैं। और ये सामने चूल्हा लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं आप अपनी ज़बान में? बुखारी, बुखारी बोलते हैं जी। और ये वन रूम घर है और ये इस तरफ मतलब किचन का सेटअप है, वो सामने हमारा रेस्ट एरिया और वो पीछे उन्होंने कुछ अपने बिस्तर वगैरह रखे हुए हैं। तो मिलते हैं आपको सुबह में। व्हाट्सएप फोन भाई मामा, ले आओ ला सब फोन रखे। ओ कैमरा खराब कर सी यार, हम थपे है की देखो वीडियो